हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अनवर आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। जैसा कि 22 तारीख से बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले, बच्चों में बड़ा डर का माहौल बना हुआ है, तो उसी डर को खत्म करने के लिए थोड़ी सी बच्चों की ऑनलाइन तैयारी अपने वीडियो के माध्यम से मैं करा रहा हूँ। तो आइए, त्रिकोणमिति का परिचय का 8.2 का एक सवाल है, इसे हम समझते हैं। सवाल दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 8/17 हो तो टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे हम सॉल्व करेंगे लाल बटे काका, LALKKA, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक हम संपूर्ण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये संपूर्ण त्रिभुज है 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका थीटा है, ए बी और सी। अब यहां पे दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 8/17 तो टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन पहले ही साइन कॉस टैन, कॉट से कॉसेक, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये लंब है आपका 8 और कर्ण है आपका 17, तो यहां पर जो लंब है वो है आपका 8 और कर्ण है आपका 17। अब आधार नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, 6 के क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात करने के लिए हमें ए बी सी दोनों की वैल्यू, तीनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, यानी ए बी का विमान हमारे पास होना चाहिए, बीसी का विमान होना चाहिए और सीए या एसी का विमान हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास एबी है नहीं, तो पहले एबी का, एबी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे एबी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। एबी को साथ में लेके चलेंगे क्योंकि इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। एसी का स्क्वायर निकालेंगे तो यहां पर जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, अगर आपको वर्ग निकालना नहीं आता है तो आप वर्ग निकाल लेगा, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके, उन्हें ये चीज नहीं मालूम होती है, तो उसका एक तरीका होता है वर्ग निकालने के लिए। आप क्या करेंगे, वर्ग का मतलब होता है जैसे 17 का आपको निकालना है, 17 के 17 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। ऊपर नीचे रख के कर ले, चाहे सामने रख के कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे ऊपर नीचे रख के कर ले आप। 7 × 7 49 के 9 हासिल लेंगे 4, 7 × 7 = 11 120, 1 × 7 = 7, 1 × 1 = 1, 9 = 8 289। इस तरीके से निकालते हैं, या आपको याद है अगर, जैसे 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है और 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, इसी तरीके से आप लोग 20 तक, कम से कम 20 तक जो है सबके वर्ग याद करते हैं। तो 17 का जो वर्ग होता है वो होता है 289। इसी तरीके से 8 का निकाल लेंगे तो 8 की 8 से गुणा कर देंगे, 8 × 8 यानी 8 × 2 = 64, यहां आप लिख देंगे 64। अब करेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे
289 को 64 से हम माइनस कर देंगे, तो 289 में से हम क्या करेंगे, 64 को घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, तो ये हो गया आपका 225, तो ये आएगा आपका 225। अब यहां पे देखेंगे कि ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो अब 225 के क्या करेंगे, फैक्टर निकाल देंगे, 225 के हम फैक्टर करेंगे उसका वर्गमूल निकालने के लिए, तो हम लिख लेंगे यहां पे 225 5 से काट देंगे, 3 से भी काट सकते हो, छोटी छोटी संख्या ले ली, 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 2 6 3 5 15, अभी 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 25 5 1 5, दो जोड़े बन गए, यानी 3 × 5 यानी 15 हो जाएगा यहाँ। तो इस तरीके से ए बी की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी 15, ठीक है। अब कह रहे हैं टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो हम निकाल देंगे टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन कॉस टैन नम बटे आधा एल बटे ए, यानी लंब बटे आधा, तो टैन टैन थीटा बराबर लंब बटे आधा, लंब कितना है आपका 8 और आधार कितना है आपका 15, तो इस तरीके से आप सारी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो हम देखेंगे उस वृत्त के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका व्यास 1.4 मीटर है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम देखेंगे तो यहां पर 2r यानी त्रिज्या जो होती है आधी होती है व्यास की, तो 2r की वैल्यू कितनी है 1.4 मीटर, तो r की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 1.4/2 2 × 7 = 14 पॉइंट लगा देंगे यहां पर, तो r की जो वैल्यू निकल के आएगी 0.7, ठीक है, क्योंकि पाई r के लिए हमें इसकी r की वैल्यू चाहिए। अब हम लगाएंगे सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी है 0.7 × 0.7, क्योंकि स्क्वायर है तो उसे दो बार लिख लेंगे, या डायरेक्ट लिखना चाहे तो यहां पर 0.49, तो यहां पर लिखेंगे 22/7 × 7 × 49, 2 के साथ पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.49 या 0.49, ठीक है। अब क्या करेंगे 22 की 49 से गुणा करेंगे, तो यहां देख लीजिए 49 / 2 × 18, 2 × 4 = 8 और 1 = 9, 2 × 18, 2 × 4 = 8 और 1 = 9, 9 × 8 = 17, 9 × 1 = 10, तो कितना आ गया ये आपका निकल के, ये आ गया आपका 1078/7। अब यहां पर देखेंगे 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो यहां पर 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, डायरेक्ट आप गुणा करिए इस तरीके से, और जितने के बाद पॉइंट लगाओगे उतने के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अब 1078 को 7 से भाग करेंगे, देख लेंगे 7 से भाग कर दीजिए 10.78 से, तो 7 × 1 = 7, 10 में से 7 गए 3 बचे, अब ये 7 उतारने के लिए पॉइंट हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो यहां 7 उतारेंगे 37 हो गए, 7 × 5 = 35, 5 में से 7 गए 2, 8 उतार लीजिए 7 × 4 = 28, तो इस तरीके से देख लीजिए ये निकल के आया 1.54, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1.54, तो इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं।
आइए फिर से एक सवाल देखते हैं, फिर देखते हैं उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग मीटर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे देखेंगे यहां पर हम कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 36 पाई। अब देखिए इसमें कॉमन चीज क्या है, पाई है, तो हम देखेंगे पाई से पाई को काट देंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 36। 36 का रूट निकालेंगे तो आर की वैल्यू निकल के आएगी 36 का जो वर्गमूल होता है 6, तो आर की वैल्यू निकल के आई 6, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 मीटर। इस तरीके से आप लोग सवाल लगाएं, तैयारी करें, और इसमें लगभग आपके 4 से 5 नंबर का एक सवाल आपका फंस सकता है। तो आइए एक सवाल हम और देखते हैं, उस वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास 84 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम देखेंगे व्यास दिया हुआ है तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, तो हम देखेंगे 2R बराबर कितना हो जाएगा, 84 मीटर। ठीक है, तो R की वैल्यू निकालेंगे हम 84 बटे 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो R की वैल्यू निकल के आ गई 42। ठीक है, इस तरीके से फिर हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का नहीं, यहां पर जो है मैदान दिया हुआ है, वृत्ताकार मैदान, घास का मैदान, तो यहां लिख देंगे मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर की वैल्यू दी है 42, तो इसे निकलेंगे 42 गुणा 42। ठीक है, इसे काट देंगे 7 × 42, 22 × 6 × 42, 22 × 42 को 6 से गुणा करेंगे 252 आ जाएगा, 22 और 252 गुणा करेंगे तो निकल के आएगा आपका, यहाँ पे चाहे कर ले, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे 5544, ये आ गया आपका वर्ग मीटर। तो इस तरीके से आप लोग सारे सवाल लगाएं जो मैंने वीडियो में बनाए हैं लगाए हैं, तो मेरे चैनल को देखते रहिए, और इसी तरीके से आपके पास मैं एक से एक बढ़िया वीडियो लाता रहूंगा, और बोर्ड के एग्जाम आपके बहुत करीब आ चुके हैं, तो जुड़े रहिए मुझसे, एडवांस क्लासेस, थैंक यू।